G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस डिनर समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को डिनर का न्योता भेजा गया था। इस डिनर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस शासित राज्य के कई मुख्यमंत्रियों ने इस समारोह में शामिल ना होने का फैसला किया। इस बीच अब ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। रविवार को कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने पर सवाल खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने से मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का रुख कमजोर होगा। अधीर रंजन चौधरी ने आगे ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं होती तो आसमान नहीं टूट पड़ता, महाभारत अशुद्ध ना हो जाता, कुरान अपवित्र ना हो जाती। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने आगे ये भी सवाल उठाए कि ममता बनर्जी के इस डिनर समारोह के शामिल होने के पीछे क्या कोई मंशा थी। कांग्रेस नेता ने आगे इस बात पर सभी लोगों का ध्यान खींचा कि खाने की मेज पर बंगाल के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठी थी। अधीर चौधरी ने ये भी कहा कि कई गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने रात्रि भोज कार्यक्रम में भाग लेने से परहेज किया, लेकिन ममता बनर्जी जल्दबाजी में दिल्ली पहुंच गई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणियों पर जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि चौधरी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉलों के बारे में उन्हें टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। सेन ने कहा, चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगे।